राजकीय अध्यापक संघ के द्वारा अध्यापक दिवस के अवसर पर काले बिल्ली लगाकर विरोध जताए जाने को लेकर हिमाचल शिक्षक महासंघ ने कड़ा ऐतराज जताया है और इस दिन काले बिल्ले लगाने को सिरे से नकारा है। संघ महासचिव जगवीर चंदेल ने कहा कि महान सपूत के जन्म दिवस पर शिक्षक समाज के द्वारा काले बिल्ले लगाकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयास करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार के कई फैसले अध्यापकों के विरोध में होते हैं, लेकिन अपनी बात सरकार के समक्ष रखने के लिए इस दिन को चुनना निंदनीय है। जगवीर चंदेल ने कहा कि केवल मात्र एक संघ द्वारा ही निर्णय को लिया गया है और अन्य संघों से कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ये केवल घटिया सोच का परिणाम है और शिक्षकों को अपने दायित्व को निभाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का इस विषय में जो निर्णय है वो बड़ा स्पष्ट है कि शिक्षक दिवस उस महान विभूति को याद करने का दिन है जिन्होंने इस राष्ट्र की शिक्षा को एक नई दिशा दी है। तो उस महान सपूत के जन्म दिवस पर शिक्षक समाज द्वारा ऐसा निर्णय लेना मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है, कायरतापूर्ण है। ठीक है, सरकार की बहुत सारे जो निर्णय रहते हैं, सरकार की बहुत सारी जो नीतियां रहती हैं, कई बार वो ऐसा लगता है कि शिक्षकों के हित में नहीं है, तो अध्यापक संगठनों का ये दायित्व बनता है कि हम शिक्षक हित में जो है वो अपनी बात सरकार के समक्ष रखें। लेकिन उसके लिए कुछ अध्यापक संगठनों द्वारा, और तो मैं तो कहूँगा कि मात्र एक अध्यापक संगठन द्वारा, बाकी अन्य किसी भी संगठन को विश्वास में नहीं लिया गया, और ये निर्णय कर लेना और सारे शिक्षक समाज पर थोपना कि हम 5 सितंबर को काले बिल्ले लगाकर शिक्षक दिवस का विरोध करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही एक, जिसको कहते हैं कि बहुत ही घटिया सोच मैं कह सकता हूँ। हम शिक्षक हैं, हमारे जिम्मे समाज निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, एक बच्चे का भविष्य तय करने का जिम्मा है, और इस दिवस विशेष पर ऐसा निर्णय करना और अध्यापकों के ऊपर थोपना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं।